शुरू कर दिए। राइट, पहले डिजाइन हो गया, कटिंग हो चुकी है, उसके बाद इसको निकाल देंगे। ये देखा, इस टाइप से निकल गया। ये वाला थोड़ा हार्ड है। यहाँ पे इधर इधर, यहाँ पे इधर से, इधर से आ जाओ। डिजाइनिंग है इसका, पूरा डिजाइन लाइनिंग हो चुकी है, कटिंग हो गया, इसको पीस निकालेंगे इसके अपन। ये निकल रहा है इजी गोइंग, क्यों तो पहले से कट करके रखा है इसको, ये पहले से कट हो चुकी रखा है, इसलिए इजी गोइंग निकल रहा है। यहाँ पे कट नहीं हुआ, इसको अपन यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। थोड़ा हार्ड सीट है, राइट, ये निकल गया। ये यहाँ से भी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, इसको ये हो गया। कितनी आसानी से, क्यों तो पहले कट करके रखा है, इसलिए एकदम इजी गोइंग ये निकल रहा है। हो गया, इसके मेक भी चालू रहे, देखिए देखिए, अभी आगे देखते रहिए इसको किस तरह से अपन होम डिजाइनिंग बना रहे। यहाँ पे अच्छा हुआ कट, बढ़िया। तो अपन ने इसको, ये जो दिख रहा है इसके अंदर और लुक आने के लिए अंदर से एक कलर वाला फिल्म पेपर लगाएंगे, ये ऐसा ऐसे। तो इसको क्या करते हैं अपन, कि ये डिजाइन है इसको कट कर दिए अपन ने, कट कर दिए ये पेपर, ये फिल्म, इसको कट करके इसके अंदर से लगाना है। तो इसको अपन कट करेंगे, करो ठीक है। ये वाला जो कटिंग है इसके अंदर अपने को ये पेपर लगाना है, कैसे तरीके से लगाना है वो इसको काटने का है। ये काट दिए अपन ने, काटने के बाद ये कट हो चुका है, इसको ऐसा लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है इसको, इसको अंदर से लगाना है। ये हो गया, तो ऐसा बढ़िया दिखेगा। तो ऐसे अपने को लगने वाले थ्री पीस को अपन यहाँ से इसको ये अपने को लगाना है यहाँ पे, यहाँ से नहीं, इसको अंदर से लगाना है। इसको अपन क्या करते हैं, पहले इसको कटिंग कर लेंगे सेम इसी के साइज का, एस। ये लगाने से क्या होता है, एक तो मजबूती आती है अंदर से, अगर लाइट भी फोकस उठ के दिखता, फोकस भी लाइट इसके अंदर। ये अपन जो बना रहे फिश टैंक के ऊपर का कवर है, इसके अपन एक घर के लिए इसके हाउस भी बना सकते हैं, घर भी बना सकते हैं इससे छोटे छोटे। तो यहाँ पे ये हो गए दो और एक तीन, ये तीन पीस को अपन क्या करेंगे, पेस्टिंग करेंगे इस पे, इसको पेस्टिंग पीछे से। तो इसको क्या करते हैं अपन, पहले स्टार्ट में ये है मेरे पास में फेविक, नाम बोलो, हाँ, ये फेविक को इस तरह से लगा दिए, एक मिनट के अंदर ये इसको क्या चिपक जाएगा, ये देखो चिपक गया, राइट। तो इससे क्या है, एक सामने लुक भी अच्छा आ रहा और मजबूती भी आ जाएंगी, और लाइट लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट देगा ये। तो ये कि कभी नीचे कांच के ऊपर लग जाएगा तो उसके लिए लगना नहीं, इसलिए अपन ने इसको लगा दिए। तो कैसा है, तो ये कि पन्नी को चिपकता नहीं, ये पन्नी को नहीं चिपकता, इसके लिए अपन ने नीचे रख दिए इसके सपोर्ट के लिए, इसको थोड़ा सा एक सेकंड के लिए प्रेस कर दिए, हो गया, राइट। अब ये इसके ये तीसरी स्टेप है, यस यस, ये यहाँ से इसको लगा दिए। इससे अपन जैसे चाहे डिजाइनिंग घर मकान डिजाइन, उसके बाद बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। ये देखिए ये लग चुका है इसमें यहाँ पे, और ये प्लास्टिक रहने से पानी से खराब नहीं होता, लाइफ टाइम परमानेंट अच्छा रहता, और बहुत आसानी से चिपकता ये,
और पैकिंग मजबूती अच्छी मिलती है इसमें। ये अपन इसके ऊपर फेविक लगा रहे पूरी, ये इसके ऊपर ये केयरफुली लगाना है, हाथ को ना चिपके और सामने से भी पूरा लुक आना चाहिए। एक तीसरी स्टेप लास्ट स्टेप अपनी बची है यहाँ पर, ये पन्नी को अपने को नीचे रखना, क्यों है नीचे से कांच के ऊपर ये तो चिपकेगा। और ये काम करने से पहले हाथ की सफाई कंप्लीट करना जरूरी है, क्यों तो दाग धब्बे ना हो। यहाँ पे इधर यहाँ देखिए, ये अपने तीनों स्टेप लगा दिए, यहाँ देखिए नीचे देखिए पूरे तीनों स्टेप लगा चुके, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर बाहर आ रहा है। और तो अपन इसको क्या करते हैं, इजी गोइंग ये कटर से शूट कर देंगे। ये हो गया कटर से शूट, ये हो गया शुरू। नंबर वन अपना है तो एकदम बढ़िया लुक, एकदम आसानी से जैसे चाहिए वैसे डिजाइन में। ये अपना सामने वाला जो फ्रंट होम का डिजाइनिंग फ्रंट कंप्लीट रेडी है। अब इसको अपने को मजबूती के लिए पैकिंग के लिए क्या करना है, जैसा कि अपन ने पहले से इसको बना के रखे थे, ये पैकिंग मजबूती के लिए अपने को एक अलग से इसके अंदर ये पट्टी जोड़नी है। इसको भी अपन पट्टी जोड़ देते, तो आप देखते रहिए। ये हमारा होममेड टॉप कवर क्रॉफ्ट साइंस के जो भी अलग अलग अपन प्रोजेक्ट बच्चों के इससे बना सकते, 1.5 लाख रुपए भरना पड़ा, तेरी मुंडी उड़ा दूंगा मैं। अपन ने क्या किए, सब कोमेट सिस्टम, तो ये बना दिए अपन ने, ये पैकिंग के लिए सपोर्ट के लिए पट्टी लगा दी है, जिसके वजह से इसको सपोर्ट हो जाएगा और मजबूती आएंगी इसमें। तो अब इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, ये जो बेस बनाया है इसका, इसको यहाँ पे लगाते हैं ये ऐसे, ये यहाँ पे अब देखिए कैसे लग रहा है। अब यहाँ पे एक हाथ रखिए, हाँ यहाँ पे एक रखो, ये पकड़िए थोड़ा सपोर्ट, हाँ। तो हम देखते हैं इसको कैसे ज्वाइंट किया जाता, कितनी देर में ज्वाइंट किया जाता। ये यहाँ पे है ना, ये देखो इसको पैकिंग सपोर्ट के लिए अपने को लगाना है कॉर्नर, इसको थोड़ा ध्यान देके, ये कॉर्नर है। ये कितनी देर में लगेगा, कैसे लगेगा ये देखो, ये हो गया राइट। और इसको इधर से अपन ये इधर स्टिक कर देंगे, यहाँ पे ऐसे लग गया, ये होगा जॉइंट अपना रेडी एकदम कड़क। ये हो चुका है, अब ये साइड में अपन लगाते हैं इसको जॉइंट। ये इसको थोड़ा केयरफुल करना, ये नीचे चिपक चुका था, इस पे लगाएंगे, हाँ देखो। यहाँ पे पहले इसको चिपका देने का, ये नीचे वाले को ये जॉइंट कर देने का, उसके बाद में ये कॉर्नर एल साइज ये है तो यूज करने का। इसमें 90 के एंगल में आएगा ये और क्रॉस नहीं होगा। यहाँ से पहले इसको अपन जॉइंट करेंगे, उसके बाद इसको, और ये है तो अपने को ये वाली जो सपोर्ट है, सपोर्ट को लगा देंगे तो बहुत पैकिंग मजबूती अच्छी हो जाएगी। ये बैठ चुका है, इसके अंदर अपने को यहाँ से है ना, इसको यहाँ लगाएंगे। इसके अंदर अपने पास एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है, उसको भी जॉइंट कर देते। छिड़का दो, एक थोड़ा सा फेविक डाल के फिट कर देंगे और इसको यहाँ पे फिट करेंगे। ये एक्स्ट्रा पैकिंग है, एक्स्ट्रा सपोर्ट है, ओके ठीक है। हाँ तो अपन अभी फिलहाल क्या करेंगे, ये वाला जो टॉप कवर है इसके ऊपर है तो ये वाला कलर लगाएंगे, और ये वाला जो है उसके लिए यहाँ पे लगाएंगे। तो अपन अब क्या करते हैं, इसको कट कर लेंगे, ओके यहाँ पे। अच्छा
तो इसका अपन निकालेंगे कितना है ये 10.5 10.5 तो यहाँ पे 10.5 अपन इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो ये और यहाँ एक देख लो ये तो 10.5 यहाँ पे राइट। अब इसको क्या करेंगे काट देंगे। ये वाला बहुत कड़क रहता है, इसको बहुत अच्छा तेज कटर लेके इसको कट करना पड़ेगा। अब इसको अपन ये जो है यहाँ के लिए अपन कट कर दिया, ये है वहाँ के लिए कट कर दिया। उसके बाद में अपने को ये जो डिज़ाइन यहाँ लगाना है उसके लिए अपन इसको कटिंग कर लेंगे। आप देखिए इस पर, यहाँ देखिए इसको देखो, उसका साइज चेक कर लेना, 7 इंच का साइज लग रहा है। ये हो गया एक यहाँ के लिए, ये कलर स्काई ब्लू बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा है। और कलर अपोजिट कॉम्बिनेशन करना है इसके लिए, अच्छा दिखेगा। ये हो चुके अपने 3 डिज़ाइन, इसको हम लगाएंगे अभी। और ये साइड वाला तो आप इसके ऊपर फिटिंग कर लेते अपन इसको, यहाँ इधर से देखिए ये इसको अपन इधर से फिटिंग कर लेंगे। ये यहाँ पे देख लो, इसको अपने को यहाँ पे फिटिंग करना है। ये यहाँ पे देख लो थोड़ा ऐसे साइड में थोड़ा सा, हाँ ये तो अपना पैक ही है, चुटकी में चिपका है, ये चिपक चुका है यहाँ पे, ये हो गया चिपक चुका है। उसके बाद में साथ में ही इसको अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करना है, इसको भी साथ में लगा देते हैं। तो ये जो अपन टॉप कवर बना रहे हैं बहुत इजी है, और टॉप कवर से अच्छे एक से एक अपन घर में डिजाइन इसके कुछ भी बना सकते हैं। ये वाला फर्स्ट हो गया, इस सेकंड वाला इसको भी पेस्ट कर लेते हैं। आगे अपन इसका है तो एक बिल्डिंग का सेम डिज़ाइन, बिल्डिंग का सेम स्टैचू बनाने वाले। अभी तो ये फिश टैंक का टॉप कवर है, इससे अपन घर भी बना सकते हैं सेम कॉपी। ओके तो ये हमारा पेस्टिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, और देखते हैं हम हमारा टॉप कवर कैसा दिखता है कैसा लगता है। ये देखिए ये बढ़िया बराबर एकदम खूबसूरत और होममेड एक्वेरियम टॉप कवर रेडी है। ये हमारा फिश टैंक का होममेड टॉप कवर बन चुका है, देखते हैं कितना बढ़िया है, कितने आसान तरीके से एक 10 मिनट के अंदर अपन ने ये टॉप कवर को रेडी कर दिए, और बढ़िया भारी लुक आ रहा है। ये आप भी घर पे बना सकते हैं, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम या क्वेश्चन है तो मेरे को आप पूछ सकते हैं कॉल करके व्हाट्सएप पे। और ये कैसा लगा आपको, रेडी है फिश टैंक कवर रेडी है, और इसके अंदर अपन देखते हैं मजबूती के लिए और लाइटिंग के लिए अपन ने क्या किया है। तो इसके अंदर लगाने के लिए देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो है अपना
तो इसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे जो प्लेट लगी है, इस प्लेट के ऊपर रिमोट वाला वाटरप्रूफ अपन एलईडी लाइटिंग यहाँ से ऐसा लगा सकते हैं, रिमोट वाला एलईडी। और एडिशनल उसके साथ में अपन जो होल्डर रहते लाइट के होल्डर ट्यूबलाइट, यहाँ पे रखना है इसको ट्यूबलाइट को, और उसके ऊपर फेविक छोड़ना है तो ये फिट हो जाता। जैसा कि मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल है ना एक ट्यूबलाइट लगा के दिखाता हूँ। एक ट्यूबलाइट लो, ट्यूबलाइट, हाँ वो वाला स्विच ट्यूबलाइट। तो यहाँ पे भी ट्यूबलाइट लगा सकते हैं अपन, यहाँ भी ट्यूबलाइट लगा सकते हैं। जैसा कि हम ये देख रहे हैं ये एक्वेरियम का फिश टैंक का ट्यूबलाइट है, इसको मैं लगा के कंप्लीट दिखा दूंगा आपको कैसे लगता है, इजी गोइंग। ये है ट्यूबलाइट, इसका ये जो सामने वाला कवर है निकाल देना है अपने को, कवर नहीं रखना है। यहाँ पे इस टाइप से ये ट्यूबलाइट को रखना है, ट्यूबलाइट रख दिए। उसके बाद में ये जो है अपने को ये पैकिंग है, इस टाइप से इसको अगर छोड़ते हैं यहाँ पे, और इस टाइप से यहाँ पे पैकिंग छोड़ दी अपन ने, तो ये देखिए अभी फिलहाल एक मिनट इसको प्रेस करके रख दिए, छोड़ दिए, ये अपना ट्यूबलाइट फिट हो चुका है। अब इसको अपन ऐसा भी करेंगे तो ये ट्यूबलाइट है तो यहाँ से गिरने वाला नहीं, इतना मजबूत हो चुका है, बहुत फिट हो चुका है ये, इसको इतना खींचेंगे तो भी नहीं निकलेगा। ये ट्यूबलाइट लगाने के लिए अपन ने एक है, दूसरी बात ये एक एडिशनल अपने को सपोर्ट है ये, तो इससे क्या है इसको भी पूरा फिटिंग मजबूती पैकिंग मिल जाएगा, ट्यूबलाइट के लिए इजी गोइंग है। और अपन एडिशनल ये जो ट्यूबलाइट है एक यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ट्यूबलाइट दिखाओ, एक ट्यूबलाइट अपन देखते हैं यहाँ लगाएंगे। जैसा कि ये जो अपना फिश टैंक है काफ़ी बड़ा है, बड़े फिश टैंक के लिए अपन लाइटिंग ऐसी भी लगा सकते हैं। ये वाटरप्रूफ ट्यूबलाइट है ये ब्लू कलर का, इसको यहाँ रखने के बाद में आपको जैसा ये दिखाया मैंने इस टाइप से यहाँ पे भी अपन इसको फिट कर सकते हैं। और एक ट्यूबलाइट लगाएंगे अपन, तीन ट्यूबलाइट लगाएंगे क्योंकि ये फिश टैंक काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर अपने को तीन लगाना ज़रूरी है। ये देखते हैं अपन, वो ब्लू है पिंक है, तीन कलर के तीन ट्यूबलाइट लगाएंगे। ये वाटरप्रूफ ट्यूबलाइट है, इसके अंदर पानी में जाने के बाद भी इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखते हैं अपन ये ट्यूबलाइट को यहाँ पे कितना आसानी से फिटिंग करेंगे, सिर्फ ये दो बूंद यहाँ पे डाल दिए फेंकी के, हो गया प्रेस, चिपक स्टिक हो चुका है, यहाँ दो डाल दिए ये चिपक चुका है। तो ये है इतना ईजी गोइंग अपना ट्यूबलाइट लगाने का तरीका। तो ये हमारा कवर रेडी है, इसके अंदर ये तीन ट्यूबलाइट लग चुके हैं। और अपन ये देखते हैं कि ये ट्यूबलाइट इतना इजी गोइंग, इतना आसानी से वाटरप्रूफ लगा दिए, इसके मजबूती है, पैकिंग है, और ये हमारा एक कवर रेडी है। तो ये कवर कैसे लगे हमें आप कमेंट्स करके दिखाइए। ये हमारा होममेड एक्वेरियम टॉप कवर कैसा लगा, इसके लिए आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट्स में। और दूसरी बात ये YouTube हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से ये वीडियो है तो शेयर कीजिए। थैंक यू। वाह ब्यूटीफुल, बढ़िया सा टॉप कवर अपना रेडी है, कितना खूब बढ़िया, एकदम अच्छा लग रहा है ये कलरफुल। और ये जो कलर है अपन जैसे चाहे कस्टमर बोलेंगे जैसा आपके हिसाब से अपन इसको कलर सेटिंग कर सकते हैं, पूरे कलर। एकदम अच्छा, एकदम बढ़िया, ये हर साइज में कवर मिलेगा और हर जगह पे अपन इसको सप्लाई कर सकते हैं, और आप ये घर पे भी बना सकते हैं। और ये कवर कैसा लग रहा है आप बिल्कुल हमें बताइए, आपके कमेंट्स आना चाहिए। और अगले वीडियो में आपको किस टॉपिक के ऊपर बनाना है वो भी बता दो। कितनी अच्छी अच्छी स्टेप है, अलग अलग कलर है और बढ़िया डिजाइनिंग है।
ये हो गया अपना कंप्लीट एक्वेरियम। हमने जो टॉप कवर बनाया है, चलो दोस्तों अपन देखते हैं उसके फिश टैंक के ऊपर रखने के बाद में ये कैसा लगता है। ये अपन देख रहे हैं फिश टैंक पे रखने के बाद में एकदम बराबर से बढ़िया लुक आ रहा है। और इसमें अपन ने पिंक लाइट लगाया एक साइड से, एक साइड से है वाइट, जिसके अंदर राइट बाजू में एकदम पिंक दिख रहा है और वाइट लेफ्ट बाजू में वाइट दिख रहा है। ये देख रहे हैं अपन फिश टैंक का कवर जो अपन ने बनाया है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये सामने वाली बाजू है, ये देखिए कलरफुल एक्वेरियम कैनोपी टॉप कवर जिसको बोलते हैं अपन। ये अपन देखते हैं नीचे वाले बल्ब से कैसा दिखता है, ऐसा बढ़िया सा क्या होता है। एकदम बढ़िया दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इस टाइप के कवर आपको जब भी ऑर्डर करने हैं हर साइज में मिलेंगे और आप ऑर्डर कर सकते हैं।